नमस्ते दोस्तों, मैं हिमालयन फेरिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज देखिए आप मैं कहाँ हूँ। ठीक मेरे पीछे देखिए ये रिकांगपियो। अगर रिकांगपियो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर मैंने डाला हुआ है, तो आप ज़रूर देखना। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कर देना। देखिए पीछे ये रिकांगपियो, बहुत अच्छे से पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने रिकांगपियो का वीडियो डाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको आप ज़रूर देखना। बाकी तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ तो जल्दी आप सभी को बताती हूँ। ये देखिए ठीक मेरे पीछे कल्पा की बसें लगी हुई है, तो मैं जा रही हूँ, बिल्कुल ठीक आपने ठीक समझा कि मैं आज जा रही हूँ कल्पा, और आप सभी को दिखाऊँगी किन्नौर का सबसे ओल्ड विलेज, जो पहले कल्पा नाम बाद में पड़ा, ये पहले चीनी के नाम से जाना जाता था। तो आप सभी को मैं लेके जाती हूँ आज चीनी विलेज और दिखाती हूँ वो गांव कैसा लगता है। वैसे भी आजकल बरसात का टाइम है, आज थोड़ा सा मौसम ने मुझे साथ दिया है, नहीं तो सुबह मुझे लग रहा था कि हमेशा जब भी मेरी रिकांगपियो या यहाँ के आसपास के एरियाज़ का वीडियो बनाती हूँ तो हमेशा बरसात होती है। मुझे लगा आज भी बरसात होगा और शायद किन्नर कैलाश भी मैं आप सभी को नहीं दिखा पाऊँगी पिछले बार की तरह। तो आज उम्मीद है बादल हट रहे हैं किन्नर कैलाश के सामने से, तो आज मैं आपको कैलाश भी दिखा पाऊँ और जो चीनी विलेज है वो भी मैं आप सभी को बहुत अच्छे से दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं, पीछे बस लगी है, ये जाएगी 10:30 बजे। आपने अगर कल्पा जाना है तो ये देखिए ठीक मेरे पीछे ये बस स्टैंड है रिकांगपियो का, यहाँ से आपको बसेस मिल जाएगी कल्पा के लिए, रोगी के लिए। लेकिन रोगी के लिए बहुत कम बसेस जाती है क्योंकि ये जो लोकल बसेस है ये कम जाती है, जो HRTC की जो बसेस है वो जाती है, और वो HRTC का जो बस स्टैंड है वो ऊपर है रिकांगपियो में, ये नीचे है, ये मेन मार्केट के साथ है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और ठीक इसके पीछे मैंने एक अपने वीडियो में आप सभी को यहाँ का जो टैक्सी स्टैंड है वो भी दिखा दिया है, वहाँ से भी आप टैक्सी करके कल्पा घूम सकते हो और वहाँ से आगे आप रोगी भी जा सकते हो। और आज आप सभी को मैं कल्पा ही दिखाने वाली हूँ, तो चलते हैं, फिर देर नहीं करते हैं, फटाफट जाते हैं, बिकॉज क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, फिर से बरसात हो जाएगी तो फिर अच्छे से मैं आपको दिखा ही नहीं पाऊँगी। देखिए बारिश के बाद का नज़ारा रिकांगपियो का कुछ ऐसा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अगर आप सभी ने रिकांगपियो का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। देख सकते हैं आप सभी, मैं कल्पा विलेज पहुंच चुकी हूं। दोस्तों ये जो आपको सुंदर सा नज़ारा दिख रहा है ये किन्नौर का कल्पा गांव है, इसका पुराना नाम चीनी था और आज भी इसका किन्नौरी नाम चीने है। प्राचीन काल में ये जो महासू जिला था उसका मिनी तहसील था। किन्नौर के पुराने गांव में से एक ये भी गांव रहा है कल्पा, ये जो शिमला के बाद अंग्रेज़ों का एक दूसरा पसंदीदा जगह भी रहा है, जिस कारण यहाँ पे आपको जो ब्रिटिश कालीन जो भवन है वो भी आपको कल्पा में देखने को मिल जाएंगे। कल्पा की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 2960 मीटर की है, और साथ में जो ये विलेज है ये बहुत सुंदर है, उसके साथ साथ में जो प्राचीन जो व्यापार मार्ग रहा हिंदुस्तान तिब्बत रोड, उसके साथ में ही ये बसा हुआ है। शिमला से रिकांगपियो 260 किलोमीटर है और रिकांगपियो से जो कल्पा विलेज है वो 5 किलोमीटर की दूरी में है। जो कल्पा है उसके ठीक सामने आप सभी को जो किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला है वो भी देखने को मिलेगी। साथ साथ कल्पा के अंदर एक बहुत पुराना लागंग है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं बौद्ध मठ है, वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा। और कल्पा एक हेरिटेज विलेज भी घोषित होने वाला था, लेकिन जो कंक्रीट के भवनों का निर्माण हुआ है कल्पा में नए समय के हिसाब से, उस कारण कल्पा हेरिटेज विलेज घोषित नहीं हो पाया। लेकिन एक हेरिटेज विलेज की जो सारी खूबियाँ होती है वो कल्पा गांव में आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे किन्नौरी सेब देख सकते हैं, बगीचे देख सकते हैं, चिलगोजा के पेड़ देख सकते हैं, यहाँ पशुपालन होता है, पौराणिक तरीके से बने मकानों को भी आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ की जो देव संस्कृति है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और कल्पा जो है नवंबर से मार्च तक बर्फ से ढका रहता है और इसकी जनसंख्या लगभग 5,000 के आसपास है। आप सभी ने बाहर देखा कि लागंग कैसा दिखता है, और बैक साइड से जब आप यहाँ आते हैं तो जो इसका फ्रंट साइड है वो इस तरफ को है, और ये लागंग काफ़ी पुराना है, बिकॉज ये जो लोचेन रिंचेन संगपो थे उन्होंने 1958 और 1055 BC के बीच में 108 मठों का निर्माण किया था,
और उनमें से एक मठ ये है कल्पा के अंदर, और 1959 में ये जल गया था आग के कारण, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस मठ का दोबारा निर्माण करवाया था, और इस मठ का नाम है समडुप चोइलिंग। तो कन्या आश्रम और जो यहाँ का लागंग है बुद्ध का, उस लागंग के बाद लागंग आप सभी को मैंने पहले भी बताया, जो यहाँ पे मठ होते हैं बुद्धिज्म के उनको यहाँ पे लागंग बोलते हैं, तो वो भी दिखा दिया। और जो कन्या आश्रम है उसमें अंदर नहीं जा सकते, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पढ़ के बता दिया, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि कई लोग होते हैं जो बहुत दान करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि सही तरीके से दान कहाँ करें और कहाँ दान करने से मतलब उनको अच्छा, मतलब कि उनके लिए अच्छा होगा। तो वो ये भी है दोस्तों, यहाँ सोचिए इतनी कन्याएं पढ़ती है, उनका भरण पोषण यहाँ पे हो रहा है, और बहुत अच्छा ये है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ पड़ जाते हैं, जिनके कहीं के ऐसे होते हैं जो मदर फादर नहीं रहते हैं, कहीं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे दान करोगे तो वो आपके लिए कितना अच्छा होगा। साथ में आप देखिए कल्पा के सबसे पीछे किला भी दिख रहा है कल्पा का, चलिए ये बाद में दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ देखिए ये सबसे पुराना ये जो स्कूल है, ये किन्नौर का सबसे पुराना जो प्राथमिक पाठशाला है, ये प्राइमरी सबसे पुराना प्राइमरी स्कूल है ये किन्नौर का, और वहाँ पे लिखा जा चुका है कि स्थापना इसका हुआ है 1890 में। सोचिए फ्रेंड्स, 1890 में ये किन्नौर का पहला मतलब कि प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पे लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे पहले के समय में। किन्नौर में हर घर में मतलब हर गांव में हर जगह पहले के टाइम में ना सड़कें होती थी, ना ही लोगों को पढ़ने के लिए वहाँ पे स्कूल होते थे, जैसे कि आज के टाइम में। आज के टाइम में सड़क भी हर जगह है, स्कूल भी हर जगह है, और आज के डेट में तो इंटरनेट की सुविधा है, तो आप कहीं भी बैठ करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात है 1890 की, 1890 की सोचिए, जिस वक्त तो ये जो पूरा किन्नौर है ये मासू का एक तहसील था, चीनी, उसके नाम से जाना जाता था। और इस स्कूल को, इस स्कूल से पता नहीं कितने ही ऐसे स्टूडेंट निकले होंगे जिन्होंने आगे चल के काफ़ी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स अचीव की है। अगर मेरे व्यूवर आप में से कोई स्कूल से पढ़ा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप सभी को इतने सालों बाद अपना ओल्ड स्कूल देख करके कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये स्कूल कुछ ऐसा दिखता है, और ये पहला किन्नौर का पहला प्राइमरी स्कूल है, और स्थापना 1890 में हुआ है इसका। कितने ही स्टूडेंट इस स्कूल से निकले होंगे दोस्तों। जो कल्पा का एक और एक भी नाम है किन्नौर में, जो भारत के प्रथम वोटर है श्याम सरन नेगी जी, वो कल्पा गांव के ही रहने वाले हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1917 में चीनी विलेज कल्पा में हुआ था, और वो एक अध्यापक थे। और साथ साथ जो भारत में चुनाव जब करवाए गए 1952 में, प्रथम जो लोकसभा के चुनाव है वो हुए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो जो इलेक्शन है वो 1952 में हो गया था। तो उस वक्त जो श्याम सरन नेगी जी है उन्होंने, क्योंकि बर्फबारी के कारण लोगों का पोलिंग बूथ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, ऐसे समय में जब जहां लोग पढ़े लिखे नहीं थे, चुनावों के लिए लोग जागरूक नहीं थे, अपने मत के इस्तेमाल के लिए जागरूक नहीं थे, उस वक्त पहली बार श्याम सरन नेगी जी ने अक्टूबर 25 1951 में सबसे पहले अपने वोट का प्रयोग किया। और श्याम सरन नेगी जी आज 104 वर्ष के हो चुके हैं, और आज भी जितने भी आज़ाद भारत में जितने भी आज तक आम चुनाव हुए हैं उन्होंने इस चुनाव में भाग लिया है। और ये स्कूल जो है यहीं पर वोटिंग होता है कल्पा के अंदर, और जो श्याम सरन नेगी जी है जब भी इलेक्शन होता है उनको यहाँ बड़ी धूमधाम से लाया जाता है। और आप देख सकते हो इस स्कूल के ठीक पीछे जो देवी चंडिका जी है आदिशक्ति, उनका भी किला है, और सामने किन्नर कैलाश का बिल्कुल नज़ारा आपको दिख जाएगा। और इस वक्त तो किन्नर कैलाश पूरे बादल से ढका हुआ है। किन्नर कैलाश दिन में 3 रंग बदलता है, सुबह के वक्त ये सफ़ेद हो जाता है, और दिन के टाइम ये लाल दिखने लग जाता है, और शाम के वक्त ये एकदम काला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ के जो देवी देवताएँ हैं वो भी अपनी पूजा से पहले किन्नर कैलाश की पूजा करते हैं।
कल्पा गांव के बीचों बीच में एक बहुत सुंदर किला है, और ये किला आदिशक्ति देवी चंडिका माता जी का है। और अगर आपने देवी चंडिका जी का कोठी वाला मंदिर नहीं देखा है, तो जो रिकांगपी वाला व्लॉग है उसमें आप इस मंदिर को देख सकते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग इस मंदिर में आए होंगे, और बहुत सारे लोगों को इस मंदिर की हिस्ट्री का पता नहीं होगा। मुझे भी पता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया है यहाँ मंदिर जो कमेटी है, उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया है, जिससे कि यहाँ जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको ये जो मंदिर है इसका इतिहास पता चलेगा। और मैं भी जल्दी जल्दी इस बोर्ड को पढ़ती हूँ और आप सभी को सुनाती हूँ। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लंबी भी है, तो मैं आपको, हाँ ऐसे तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको ऐसे सुनाती तो मैं कंफ्यूज हो जाती, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अखंड ज्योति मही देवी जी ने संपूर्ण सृष्टि, नव ग्रहण, पंच तत्व, आग, पानी, पृथ्वी, आकाश, वायु, अनंत तरह के जीव जंतुओं को रचाने के बाद स्थापना, पालन व संहार करने का दायित्व ब्रह्मा जी, विष्णु जी व शंकर जी को सौंप कर सब सृष्टि में जगह जगह अपनी शक्तियों से सभी प्रकार के आसुरी शक्तियों को परास्त करके शक्ति के विभिन्न रूपों को स्थापित करते करते उत्तराखंड शोणितपुर, शोणितपुर दोस्तों सरान का पुराना नाम है, जहाँ पर बनासुर का साम्राज्य था। माना जाता है कि बनासुर एक राक्षस थे, उनका साम्राज्य था, उसे समाप्त करने के लिए अवतरित हुई। अब इसमें ये कहानी बता रहे हैं कि जो बनासुर है उसके आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए जो देवी चंडिका है वो अवतरित हुई, उसकी पाप की लंका को समाप्त करने के बाद किन्नौर में गर्गोरंग आग चौरा के पास, ये गर्गोरंग आग भावनगर में है जो सुंगरा विलेज है वहाँ पर है, मैं अपनी दैविक शक्ति से हिरमा देवी जी के नाक से सोने की मधुमक्खी के रूप में अवतरित हुई। हिरमा देवी जी का जो टेम्पल है वो जब किन्नौर स्टार्ट होता है चौरा वहाँ पर है, और वो मधुमक्खी के रूप में अवतरित हुए। असीम दैविक शक्ति वह सभी भाई बहनों में बड़ी, जो हिरमा देवी और बनासुर के बहुत सारे बच्चे रहे हैं उनमें से जो ये बता रहे हैं कि जो देवी चंडिका जी है वो सबसे बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन होने के कारण कारण पुनः पूरन में भाग बंटो मतलब बंटवारा एक हिसाब से किया, वो अपना हिस्सा रोपा गुनपा प्राप्त किया। अखंड ज्योतिमयी शक्ति ने ही वेस्टोर के नीचे इस रक्सारिंग मटंग, ये जो किला बना है यहाँ पे शायद इस जगह को रक्सारिंग मटंग बोलते हैं, को छुपा कर रखा। रक्सारिंग मटंग आधुनिक कल्पा को संभालने की शक्ति किसी और में नहीं थी। रक्सारिंग मटंग मतलब राक्षसों का धरती होगा ये, और इसको संभालने की शक्ति किसी में नहीं थी ये ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये जगह महिषासुर शायद राक्षस होंगे उस वक्त के, महिषासुर, दस, रावण, बनासुर आदि अनेक राक्षसों का राज्य वो तपोस्थली थी, तपोस्थली भी थी उनकी और राक्षस भी यहाँ पे रहते थे, इसलिए अखंड ज्योति मही ने इसे अपनी वेस्टोर के नीचे छुपा कर रखा, शायद जुटी जुटी मतलब कि बालों के नीचे शायद। राक्षसों के राज को समाप्त करने के लिए अखंड ज्योति ने चंडिका का रूप धरा और उसे युद्ध के लिए ललकारा। आदिशक्ति और शिव का विवाह हुआ, इस विवाह के पूर्ण कराने के लिए सवे ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी उपस्थित हुए। उसके बाद आदिशक्ति चंडिका जी ने उसे युद्ध में समाप्त कर दिया। प्राचीन काल में यहाँ पर यम शतोरा ने आक्रमण किया और देवी चंडिका जी का भयंकर दैविक रूप देखकर वो यहाँ से यह कहकर चले गए कि जब तक पत्थरों में ऊन व कोए में सींग ना निकले तब तक नहीं आएंगे। और फिर अखंड ज्योति ने रक्सारिंग माट्यंग को ब्रह्मा विष्णु जी को सौंप कर सव्य रोपा गुनपा जाते समय लेदरों मट्यंग आधुनिक तेलंगी, जो आधुनिक जो यहाँ किन्नौर का जो गांव है तेलंगी वहाँ पे एक मंदिर है, पर थानिक देवता जी ने आदि शक्ति से विनती की कि यहाँ पर रोयंड राक्षस का पाप साम्राज्य है, कृपया इसे समाप्त करें। तत्पश्चात आदि शक्ति ने उसे उसके साम्राज्य को समाप्त किया और आदि काल से ही आदि शक्ति शिव व जगत विराट महाकाली जी सात गांव कोठी में ही विराजमान रहकर संपूर्ण सृष्टि को चला रखा और कहा जब तक और कहा उन्होंने ये कहा जब तक इस भूमि के जीव सृष्टि के नियमों का पालन करते रहेंगे तब तक इस भूमि की रक्षा दुश्मनों व राक्षसों से करती रहूंगी, आगे लिखा है अखंड ज्योति देवी चंडिका। तो ये था यहाँ की हिस्ट्री, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया होगा तो कभी किसी वीडियो में फिर एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो अब अंदर चलते हैं, अंदर थोड़ा सा देखते हैं कैसा है अंदर से ये किला।